देश के अंदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वारदात, जिसमें लूटपाट चोरी जैसी वारदातें आम हो गई हैं। सीआर पार्क इलाके में एक एजेंसी की महिला पत्रकार से लूट का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब ओखला में भी एक निजी चैनल में काम करने वाली महिला पत्रकार राधिका से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल लूट लिया। हालांकि पूरी वारदात घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के मुताबिक राधिका अपने परिवार के साथ गोविंदपुर इलाके में रहती है। वह एक न्यूज चैनल में जॉब करती है। घटना स्थल 23 सितंबर की शाम की है, जबकि राधिका ऑफिस से घर जाने के लिए निकली थी। वह ओखला फेज 2 डब्ल्यू ब्लॉक में पैदल जा रही थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। वह पीछे से आए और उन्हें धक्का देकर उनका मोबाइल लूट लिया। महिला ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन बाइक सवार फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने घटना स्थल के पास एक बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज की जांच की, तो उसने चिंता रंजन पार्क थाना क्षेत्र के ग्रेट कलेशा एरिया में ऑटो सवार महिला पत्रकार को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया था। बदमाशों ने उनका मोबाइल छीनते वक्त उन्हें धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया था, जिस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गयी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।